सभी दोस्तों को रणवीर सिंह राठौड़ देहरासर की तरफ से नमस्कार। दोस्तों आज राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट का सरकारी भर्तिया हॉस्पिटल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो चूरू ज़िले का भर्तिया हॉस्पिटल है उसका गार्डन दिखाता हूँ। मैं पूरा हॉस्पिटल का वातावरण तो अभी फ़िलहाल नहीं दिखाने को मिलेगा मेरे को, लेकिन आपको गार्डन दिखा देता हूँ। कभी भी भगवान ना करे हॉस्पिटल में आना पड़े, फिर भी यह सच्चाई है, आँख बंद कर लेने से सच्चाई छुप नहीं जाती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भर्तिया हॉस्पिटल का ये गार्डन है। तो कभी भी आप यहाँ आएँ, आपको रेस्ट करने का जैसा समय मिले, कोई भर्ती है तो आपको बैठने के लिए सोने के लिए जगह की ज़रूरत पड़े तो इस हॉस्पिटल के अंदर इस गार्डन की अच्छी सुविधा बनाई हुई है। इस गार्डन के अंदर आइए, बैठिए, ठंडी छाँव है, पेड़ पौधे हैं, बैठने के लिए जगह जगह पे कुर्सी बनाई गई है, घूमने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर गार्डन बनाया है। और फिलहाल जितने भी सरकारी हॉस्पिटल लगभग और विशेष करके चूरू का जो भर्ती हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें तो फिलहाल अच्छी व्यवस्था है। सिटी स्कैन की जो ट्रॉमा सेंटर है ये आदि जाँचें पहले यहाँ पे नहीं होती थी, वो सिटी स्कैन जाँच अब फिलहाल होने लग गई है। और पहले चूरू ज़िले के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं थी सिटी स्कैन की आदि की, बीकानेर जाना पड़ता था इसकी सिटी स्कैन जांच करवाने के लिए, या सीकर जाना पड़ता था भी सिटी स्कैन जांच के लिए भी इधर व्यवस्था हो गई है। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ चूरू ज़िले में बन गया है। और मैं इन सब के लिए धन्यवाद दूंगा राजेंद्र सिंह राठौड़ जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हुए थे, मैं तो उनकी देन मानता हूँ। मेरे हिसाब से तो उनकी दया है चूरू ज़िले के भर्तिया हॉस्पिटल के अंदर सिटी स्कैन की व्यवस्था हुई, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हुई, और अभी आपको मैं ये गार्डन धीरे धीरे दिखाता हूँ। ये देखिए, साथ में हॉस्पिटल भी देख लीजिए और गार्डन भी देख लीजिए। आज किसी काम से मैं भी आया था किसी बच्चे को लेकर के दिखाने के लिए, भी थोड़ा समय मिला मेरे को, इसलिए आप सभी को जानकारी के लिए, आप सभी को बताने के लिए, दिखाने के लिए ये वीडियो मैं बनाया है। आप देख लीजिए आराम से, उधर वो लाइन लगती है। और सामने मातृ शिशु अस्पताल चूरू लिखा हुआ है, वहाँ पे बच्चों का मतलब जन्म और बच्चों का इलाज किया जाता है। और आपको नज़दीक करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मातृ एवं शिशु अस्पताल चूरू, ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है और ये नज़दीक करके आपको दिखाया है, आराम से देख लीजिए। ये देख लीजिए आप आराम से। अभी मैं आपको गार्डन दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से गार्डन के अंदर प्रवेश करने का, गार्डन के अंदर घुसने का, और ये अच्छी डिज़ाइन बनाई है। ये लकड़ी की डिज़ाइन दिखती है लेकिन ये कारीगर ने इतने अच्छे तरीके से बनाई है डिज़ाइन, लकड़ी की दिखती है, लकड़ी की ना होकर के सीमेंट की डिज़ाइन है ये, फिर भी लकड़ी की डिज़ाइन दिख रही है। ये कारीगर की एक कलाकारी है। और ये गार्डन देख लीजिए पूरा,
पूरा गार्डन देख लीजिए। यहाँ पे लोग बाग जो मरीज़ को लेके आए हैं उनके साथ में जो है वो बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई नींद से परेशान है। जो थक चुके हैं वो आराम कर रहे हैं। इधर आराम करने के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई है, यहाँ पे अच्छा गार्डन बनाया है। मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। और काफ़ी लंबा चौड़ा गार्डन बनाया है ये। राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट का भरतिया हॉस्पिटल जिसके अंदर ये बनाया गया गार्डन है। बहुत ही अच्छा गार्डन है। धीरे धीरे आपको दिखाता चलता हूँ मैं। देखने लायक गार्डन है। कोई कोई लोग जब या बच्चे को दिक्कत होती है तो बच्चे को लेके आते हैं, बड़े बूढ़े को दिक्कत होती है तो लेके आते हैं, और डिलीवरी होती है तो रेस्ट के लिए बोल दिया, भर्ती के लिए बोल दिया, 3 दिन 4 दिन के उनके साथ में जो लोग होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पानी पीते हैं। ये देख लीजिए पूरा हॉस्पिटल। उधर पंजीयन दवा वितरण केंद्र है। ये पूरा हॉस्पिटल आप देख लीजिए। ये गार्डन की डिज़ाइन, और ये आपको दिखा देता हूँ मैं, राज के डिब्बी जनरल जिला अस्पताल, नज़दीक करके दिखाता हूँ मैं। ये देख लीजिए, थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। फिर से मैं आपको गार्डन दिखा रहा हूँ। और ये जो सामने दिख रहा है ये बच्चों का है, जैसे डिलीवरी होती है या बच्चों को कोई तकलीफ होती है उसके लिए शायद। ये गार्डन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोग बाग विश्राम करते हुए, आराम करते हुए, अच्छा गार्डन बनाया। ये रास्ते, अलग अलग रास्ते हैं। ये सेवाराम लखोटिया लाइन शताब्दी वाचनालय पुस्तकालय है। ये छोटे छोटे रास्ते हैं। ये देख लीजिए पूरा गार्डन। और ये यहाँ पे बैठने के लिए लकड़ी की तरह सीमेंट की बनाई हुई कुर्सियाँ हैं। देख लीजिए अच्छे पेड़ पौधे हैं। शीतलता मिलती है, शानदार छाया मिलती है गार्डन में। थोड़ा शांति का अनुभव होता है। हेलो, ये बैठने के लिए जगह है। ये देख लीजिए, ये अच्छी डिज़ाइन बनाई है गार्डन के अंदर। ये देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार डिज़ाइन, बहुत ही शानदार गार्डन।
दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर कोई हंसी खुशी से कोई नहीं आता है, कोई नहीं आना चाहता है, लेकिन मजबूरी में वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। और ये सच्चाई है कि इंसान हो या कोई भी जीव हो, सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है ज़िंदगी के अंदर। जब आना पड़ता है और जब आना पड़ता है तब बैठना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है, खाना पीना सब करना पड़ता है। चाहे कितना भी किसी को कुछ भी कितनी भी तकलीफ़ हो, धीरे धीरे ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए कितना भी कोई भी खास हो, फिर भी धीरे 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 जीना तो पड़ता है। बैठना भी पड़ता है, आराम भी करना पड़ता है, सोना भी पड़ता है। और ये बालाजी का मंदिर गार्डन के अंदर बनाया गया है और मैं सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बालाजी से निवेदन करूँगा कि बालाजी महाराज कभी किसी को तकलीफ़ मत देना। तकलीफ़ देते हो तो आपका साथ और सहयोग, आपका आशीर्वाद भी हमारे पास में रखना। तकलीफ़ भी होना ज़रूरी है, नहीं तो इंसान अपनी बहुत सी मर्यादाएं, बहुत सी सभ्यता संस्कार भी भूल जाते हैं और सीधा बोले तो अपनी औकात भी भूल जाते हैं। इसलिए औकात को याद रखने के लिए वो क्या है क्या नहीं है, इंसान है उसमें इंसानियत रहनी चाहिए, मानव धर्म रहना चाहिए, अपनी संस्कृति सभ्यता रहनी चाहिए, इसको याद दिलाने के लिए मैं तो यही सोचता हूँ सर, याद दिलाने के लिए, उसको दिखाने के लिए। और धर्म कर्म पुण्य को याद दिलाने के लिए भी शायद भगवान तकलीफ़ देते हैं। और साथ में सनातन धर्म के हिसाब से, अपने शास्त्रों के हिसाब से मैं ये भी मानता हूँ कि कर्मों के अनुसार शायद भगवान फल देते हैं। कर्मों के अनुसार हरी बीमारी ये सब होती है, ऐसा भी कथा में शास्त्रों में सुनते हैं। सभी दोस्तों से और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, लाख कोशिश के बाद में शास्त्रों के हिसाब से 84 करोड़ योनियों में जन्म लेने के बाद में इंसान की ज़िंदगी मिलती है, इंसान का जीवन मिलता है अपने को। तो मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप होश के ता होश के जितना मन से अच्छा कर्म, तन से अच्छा कर्म, अपनी संपत्ति से, अपने जुबान से, होश के जितना सभी का, किसी ना किसी गरीब का, साधारण आदमी का भला करें, अच्छा कर्म करें। और सबसे ज़्यादा मैं तो बोलूँगा कि जो जीव होते हैं जो बोलते नहीं हैं, बोल नहीं सकते कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, या मेरे को लगी है, मेरे को तकलीफ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उन पे ज़ोर रहेगा कि उनको आप सेव करें। आदमी होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, गरीब होता है, साधारण होता है, कैसा भी, उसको तकलीफ़ होती है तो बता सकता है, दर्द होता है बता सकता है, जो रोग होता है बता सकता है, भूखा प्यासा जो भी होता है बता सकता है। लेकिन एक जानवर ऐसे होते हैं जो भी गाय मोर जो भी होते हैं, गाय माता, गाय माता को तो हम जानवर कह ही नहीं सकते, गाय माता के अंदर तो इतने गुण होते हैं। और शास्त्रों के हिसाब से गाय माता के अंदर तो बहुत से मतलब देवी देवताओं का निवास होता है, और गाय माता को तो हर चीज़ मतलब काम में आती है, गौमूत्र है, गोबर और दूध बहुत उपयोगी थे गौ माता का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहूँगा सभी से कि कोई भी जीव हो उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, मदद करें, क्यों बोल नहीं सकते हैं, अपन लोग बोल सकते हैं,
बता सकते हैं ये परेशानी ये तकलीफ है। चलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं चाहता हूँ वीडियो को आगे आप भेजें अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगा हो तो, और लाइक भी करें शेयर भी करें। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए कमेंट करना, आपके लिए बनाया है मैंने। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सभी को खुश रखें, सभी को उन्नति दे तरक्की दे, सभी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। जय हिंद जय भारत, जय किसान जय जवान, जय गौ माता।